बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ओवरसीज फ्रेंड्स। होप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों पाकिस्तानी बाशिंदों के लिए और हमारे उन ओवरसीज भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन वैलियों में से एक वैली यानी कि कुमरैट वैली में दुनिया की सबसे बड़ी केबल कार का मंसूबा बनाया जा रहा है। जी हाँ, ये केबल कार दुनिया की सबसे लंबी केबल कार होने जा रही है। मंजूरी जो है वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जिला दीर अपर के सियाहती मकाम कुमराट में दुनिया के सबसे बड़े केबल कार सर्विस की फिजिबिलिटी स्टडी और इंजीनियरिंग डिजाइन पर काम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। वजीर आला महमूद खान की जेर सदारत जुमेरात को होने वाले महकमा सियाहत के इजलास में अपर दीर ता लोयर चित्राल केबल कार का मंसूबा शुरू करने का फैसला किया गया है। ये मंसूबा 32 अरब रुपए के तखमीना लागत से मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी 5 से 6 महीनों में मुकम्मल की जाएगी। बैनुल अक्वामी मयार और तर्ज का ये केबल कार अपनी नौयत का मुनफरिद केबल कार होगा। ये केबल कार दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबा केबल कार होगा। ये केबल कार कुमराट अपर दीर से मदाश्त लोयर चित्राल तक तामीर किया जाएगा। केबल कार की मजमूई लंबाई 14 किलोमीटर होगी। मंसूबे की तकमील से इलाका में सालाना 8 मिलियन मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की आमद मतवक्का है। केबल कार में दीगर सहूलियात के अलावा दोनों अतराफ के स्टेशन में कार पार्किंग की सहूलत भी होगी। केबल कार में एक इंटरमीडिएट स्टेशन भी होगा जहां पर रेस्टोरेंट्स की सहूलत दस्तयाब होगी। तो दोस्तों मौजूदा हुकूमत जिस स्पीड से इजाफा कर रही है सियाहती मकामात का और टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे सामने एक जिंदा मिसाल मौजूद है कि दुबई ने रेगिस्तानों में टूरिज्म को प्रमोट किया, टूरिज्म के लिए अट्रैक्शंस कायम की और आज दुबई जो है वो दुनिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज में से एक मुल्क कंसिडर किया जाता है। तो पाकिस्तान में तो कुदरती तौर पर इतने मकामात मौजूद हैं जिन पे के इंटरनेशनल सयाहों को अगर हम अट्रैक्ट करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। होप ये मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल हो, इसकी फिजिबिलिटी मुकम्मल हो और फिर ये तामीर के मराहिल से गुजरे, ना सिर्फ पाकिस्तानियों को गर्मियों में और सर्दियों में एक तफरी मकाम का एक उसमें इजाफा हो जाए, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी मरी में जो केबल कार है उस पर इतना प्रेशर है और छोटी सी वो केबल कार है और छोटी सी सड़कें हैं, छोटा सा वो इलाका है और पूरे पाकिस्तान का जब प्रेशर पड़ता है तो वो बिल्कुल जैम पैक हो जाता है। तो मतलब उसको हम सेचुरेटेड बोलें तो मुनासिब होगा, सेचुरेटेड हो चुका हुआ है। तो ऐसे में कुमराट वैली में केबल कार एक बहुत अच्छा और दानिशमंदाना फैसला है और कुमराट वैली जिन भाइयों और बहनों ने देखी है मैं कहता हूं कि कमाल एंड है, बिल्कुल गोरों की तरह की मुल्कों में जो इलाके होते हैं वैसे ही है और इट्स वन ऑफ द बेस्ट वैली इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों ऐसी ही मुफीद मालूमाती न्यूज रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए एक्सपो न्यूज इंटरनेशनल। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओह डू यू लव मी? नो। ओह माय गॉड, वेलकम टू दुबई, दिस इज न्यूज फ्रॉम यूक्रेन। थैंक यू फॉर द एक्सपो न्यूज। I am Lara. And this is Exxon. It's such a big pleasure. It's an international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This and is you are Dubai. Watching Expo News. This is Suzanne. Australia. Germany, Tokyo. So let's go. This is next one. Let's show the expedition. For any type of presentation. Jive, Jive, Pakistan, Pakistan, Zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Huroni. Welcome to Expo News.